हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग पिछला वीडियो में बात किए थे कि डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन शुरू से स्टार्ट हम लोग आज करते हैं। ताकि डिफ्रेंशिएशन है क्या, सबसे पहले एक एक चीज़ को समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर में आएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, डिफ्रेंशिएशन क्या है पहले हम लोग उसको समझिए। डिफ्रेंशिएशन जैसे कि टेन ए से लेकर के टेन जे तक जो चैप्टर है आप लोगों का, आर एस अग्रवाल का, टेन ए से लेकर के टेन जे तक। तो देखिए स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता होगा कि टेन ए से लेकर के टेन जे तक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें कितना मेथड, कितना रूल आएगा, बहुत, जैसे कि टेन ए से टेन जे तक है तो बहुत सारा फॉर्मूला आएगा, बहुत सारा रूल आएगा, बहुत सारा मेथड आएगा। लेकिन स्टूडेंट, ये आप लोगों को नहीं सोचना कि बहुत सारा मेथड आएगा, इसमें मेन चार ही मेथड होता है। वही चार मेथड को आप लोगों को कवर करना है और वही चार मेथड से सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब वो चार मेथड क्या है, वो चारों मेथड को आप लोग पहले सुनिए। मेथड ऑफ डिफ्रेंशिएशन, यानी कि डिफ्रेंशिएशन का मेथड, डिफ्रेंशिएशन कोई भी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन फाइंड करेंगे तो उसका मेथड फाइंड करने का मेथड देखिए क्या करता है। फर्स्ट में होता है सेपरेशन, सेकेंड में होता है प्रोडक्ट, थर्ड में होता है डिवीजन और फोर में होता है चेंज। क्या क्या होता है स्टूडेंट? एक होता है सेपरेशन, एक होता है प्रोडक्ट, एक होता है डिवीजन और एक होता है चेन रूल। चलिए इसको भी बोर्ड में लिखते हैं और आप लोगों को समझाते हैं और अच्छे से कि सेपरेशन क्या होता है। डिफ्रेंशिएशन फाइंड करने में, फाइंड करने का मेथड में सेपरेशन का क्या यूज है, फिर प्रोडक्ट का क्या यूज है, फिर डिवीजन का क्या यूज है, उसके बाद फिर चेन रूल का क्या यूज है, आज चारों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए मेथड ऑफ डिफ्रेंशिएशन, यानी कि डिफ्रेंशिएशन का मेथड। तो फर्स्ट मेथड अभी क्या बोले थे, सेपरेशन, डिफ्रेंशिएशन बाय सेपरेशन। फर्स्ट में बोले थे डिफ्रेंशिएशन बाय सेपरेशन, फिर सेकेंड में क्या बोले थे, प्रोडक्ट, इसलिए सेकंड में प्रोडक्ट करेंगे। और थर्ड नंबर में क्या बोले थे, डिवीजन। और फोर्थ नंबर में क्या बोले थे, बाय चेन रूल, यानी कि चेन रूल। फ्रेंड, आप लोग को ये देख के नहीं घबराना है कि टेन ए से टेन जे तक में बहुत सारा मेथड, बहुत सारा रूल आएगा, बस कुछ नहीं है, यही चार मेथड है और यही चार मेथड से हम लोग का सारा डिफ्रेंशिएशन सॉल्व होने वाला है। बस एक दो एक्सरसाइज का क्वेश्चन में ऐसा होगा जहाँ कि अपना उनको थोड़ा माइंड यूज करना, लॉ बुक लगा करके वो थोड़ा सा सॉल्व होगा, उसके बाद बन जाएगा। लेकिन मेथड यही चार है, इस चार के अलावा कोई पाँचवा नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग डिफ्रेंशिएशन बाय सेपरेशन समझते हैं, यानी कि सेपरेशन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग सेपरेशन का मीनिंग समझते हैं। सेपरेशन मीन्स होता है अलग अलग करना, यानी कि भिन्न भिन्न करना। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग कहीं पे कोई रूम में रह रहे हैं, उसमें बहुत सारा सामान बिखरा हुआ है और अचानक हम लोग जब रूम में आते हैं तो देखते हैं बहुत सारा सामान बिखरा हुआ, तो हम लोग बोलते हैं ना दोस्त से, यार आज सारा सामान को सेपरेट करके रखो, रूम बड़ा भरा हुआ दिखा। वही सेपरेट मीन्स क्या होता है, अलग अलग करना। कोई भी बड़ा सा जैसे फंक्शन दे दिया हो, ये बात आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है कि सेपरेशन मीन्स होता है अलग अलग करना। जैसे मान लीजिए कोई भी आप लोग को एक फंक्शन दे दिया है, फंक्शन, अब फंक्शन तो आप लोग समझते होंगे कि y इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स की जगह साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, लॉग एक्स, e टू दी पावर x, मतलब ये सब,
यही सब क्या होता है, फंक्शन होता है, साइन कॉस टेन ई टू दी पावर एक्स लॉग एक्स, ये सब सारा क्या फंक्शन है। तो बार बार हम यदि फंक्शन बोलेंगे तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि फंक्शन के जगह पे आ रहा है साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स लॉग एक्स ई टू दी पावर एक्स, ये सब सारा जितना है ये क्या है तो हम लोग का फंक्शन। तो मान लीजिए वाई इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि कोई फंक्शन दिया हुआ है। तो देखिए फंक्शन में क्या होता है, अब एफ एक्स ने एफ एक्स की जगह साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो जैसे देखिए हम एक फंक्शन ले लेते हैं वाई इक्वल टू यू प्लस, चलिए यहाँ पे ऊपर लिखते हैं वाई इक्वल टू ले लेते हैं यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू। देखिए स्टूडेंट एक फंक्शन ले लिए वाई इक्वल टू यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू, अब हम लोगों को इस फंक्शन को डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन तो करेंगे लेकिन कौन सा मेथड लगाएंगे, इसमें क्या लगेगा, वो पता कैसे चलेगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, इसमें सेपरेशन का यूज करेंगे और आखिर सेपरेशन का यूज कैसे होगा वो भी देखिए कैसे होगा। देखिए जितना भी आप लोगों को क्वेश्चन दिखे और उस क्वेश्चन का फंक्शन जो है, जैसे y इक्वल टू जो भी दिया हो, यदि उसमें आप लोगों को दिख जाए कि y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस टेन एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स प्लस डॉट डॉट करके 50 टर्म क्यों ना दे दे, वो फंक्शन यहाँ से इतना बड़ा तक क्यों ना हो जाए, यहाँ से इतना बड़ा क्यों ना हो जाए, हम लोग को नहीं डरना है, ठीक है। देखिए उसका सेपरेशन का मेथड से कैसे उसको सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए कि y इक्वल टू यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू दिया है, प्लस और भी कुछ कुछ दे दिया, माइनस और कुछ कुछ दे दिया, तो फ्रेंड्स हम लोग को पूरा नहीं, हम लोग को एक एक टर्म को देखना है। डिफ्रेंशिएशन पूरा का डरेंगे कैसे, पूरा का पूरा टर्म देखेंगे यहाँ से यहाँ तक तब ना है, हम लोगों को पूरा टर्म देखना ही नहीं है, एक एक टर्म को देखते हुए फंक्शन का एक एक टर्म को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू यू दिया है, प्लस वी दिया, प्लस डब्ल्यू दिया, तो सबसे पहले u का डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, फिर v का डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, u और v के जगह कोई फंक्शन आएगा, फंक्शन का मतलब लोग समझ ही गए, साइन कॉस टेन लॉग कोसेक सेक e टू दी पावर x लॉग x, ये सब ठीक है, ये सब आएगा। तो मान लीजिए इसको ये जैसे फंक्शन हो गया y इक्वल टू यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू, इसको x के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए जहाँ भी आप लोग को फंक्शन में प्लस माइनस दिख जाए, हमेशा याद रखना कि वहाँ पे हम लोग सेपरेशन का मेथड लगाएंगे, प्लस माइनस देखिए सेपरेशन लगाना है। तो देखिए इसमें प्लस माइनस है फंक्शन के बीच में, तो हम लोग को क्या लगाना है, सेपरेशन, यानी कि सेपरेशन का यूज करेंगे। तो देखिए इसका सेपरेशन का यूज कैसे करेंगे, लिखेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे दोनों साइड। तो चलिए डिफ्रेंशिएशन करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यू है, यानी कि यू का डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डी यू बाई डी एक्स प्लस है, प्लस कर देंगे। अब वी है तो वी का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डी वी बाई डी एक्स प्लस है, प्लस कर देंगे। माइनस रहता तो माइनस लिख देते, जो दिया रहेगा उसी को लिख देंगे। उसके बाद क्या टर्म है, डब्ल्यू वाला है, तो क्या हो जाएगा इसका, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। देखिए स्टूडेंट ये हो गया सेपरेशन फाइंड करने का तरीका। तो देखिए हम लोग कैसे फाइंड किए इसको, यदि फंक्शन के बीच में फंक्शन यदि जुड़ा हुआ हो, एक दूसरे मतलब एक फंक्शन से दूसरा फंक्शन जुड़ा हुआ हो, साइन कॉस टेन, और बीच में प्लस माइनस हो, प्लस माइनस के साथ कोई फंक्शन जुड़ा हुआ हो, तो वहाँ पे हम लोग सेपरेशन निकालेंगे, सेपरेशन का मेथड लगाएंगे और एक एक का एक एक का एक एक का क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन निकाल लेंगे। देखिए जैसे कि एक एग्जाम्पल भी लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं हम लोग वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस टेन। देखिए ये फंक्शन वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस टेन दिया हुआ है, तो आप लोग को देख के ही अब पहचान में आ गया होगा कि ये सेपरेशन का मेथड से बनेगा, क्योंकि फंक्शन आपस में जुड़ा हुआ है प्लस और माइनस से, प्लस और माइनस इसमें सिर्फ प्लस से जुड़ा हुआ है,
तो प्लस का, यानी कि ये प्लस और माइनस से यहाँ हम लोग को जुड़ा हुआ दिख जाए वहाँ पे हम लोग को सेपरेशन लगा देना। यहाँ पे प्लस से जुड़ा हुआ दिख रहा फंक्शन तो प्लस यानी कि सेपरेशन, जहाँ प्लस दिख जाए माइनस दिख जाए वहाँ सेपरेशन का यूज। तो देखिए इसमें सेपरेशन का यूज कैसे करेंगे, तो क्या बोले थे एक एक टर्म का हम लोग क्या निकालेंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे एक एक टर्म का। एक बार में पूरा टर्म नहीं देखना, एक एक टर्म को देखना। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब एक्स के रिस्पेक्ट में वाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब साइन एक्स है यानी कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, प्लस है तो प्लस, लॉग एक्स है स्टूडेंट तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस है प्लस टेन का डिफ्रेंशिएशन। स्टूडेंट एक बात और आप लोगों को याद रखना है कि कॉन्सोनेंट का डिफ्रेंशिएशन हमेशा जीरो होता है। वन टू थ्री फोर ये सब जितना भी नंबर आप लोगों को दिख जाए इसका डिफ्रेंशिएशन हमेशा क्या होगा, तो जीरो होगा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कॉस एक्स, प्लस लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन बाय एक्स, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट वन बाय एक्स, फिर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो। इसको थोड़ा सजा के लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वन बाय एक्स, है ना जी, ये समझ में आ गया होगा। एक दो और एग्जांपल सेपरेशन कर लेते हैं। जैसे स्टूडेंट एक एग्जांपल ले लेते हैं y इक्वल टू x का क्यूब प्लस टेन इंटू एक्स टू दी पावर सेवन। ये एग्जांपल हम जान के लिए हैं क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट जो इलेवेंथ में पढ़े हैं, इलेवेंथ में तो सब कोई पढ़ेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो इसमें बहुत कोई अभी u इंटू v निकालेंगे और u इंटू v लगा देंगे, ये u इंटू v से बनेगा। लेकिन अभी हम लोग पढ़ किसको रहे हैं सेपरेशन से, तो देखिए ये सेपरेशन से भी बन जाएगा। इसको क्या करेंगे हम लोग थोड़ा सा सोचेंगे कि यदि इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, सेपरेशन में प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, तो ये सेपरेशन में चेंज हो जाएगा, तो हम लोग इसको और इजी हो जाएगा। अभी u इसको कीजिए फिर v कीजिए फिर u बाहर फिर v का डिफ्रेंशिएशन फिर प्लस, उतना जो करने जाएंगे एक स्टेप बस आगे बढ़ेंगे कि बाहर वाला को अंदर वाला के साथ मल्टीप्लाई और वो बन जाएगा सेपरेशन में, प्लस माइनस में आ जाएगा तो वो सेपरेशन हो गया। और वही करेंगे अभी, चलिए इसको अंदर वाला से मल्टीप्लाई कर देते हैं। स्टूडेंट वाई इक्वल टू एक्स टू दी पावर सेवन इंटू एक्स टू दी पावर थ्री करेंगे, यहाँ क्या एक्स टू दी पावर सेवन है इंटू एक्स टू दी पावर थ्री। तो आप लोग को पता है बहुत ही बेसिक चीज़ है ये सब कि बेस जब सेम हो तो पावर जुट जाता है, तो यहाँ क्या करेंगे एक्स टू दी पावर टेन हो जाएगा, फिर प्लस टेन इंटू एक्स टू दी पावर सेवन करेंगे तो टेन एक्स पर पावर सेवन हो जाएगा। अब देखिए ये कितना दो टर्म बन गया सेपरेशन का, कितना ईजी है। अब इसको दो टर्म के लिए निकाल लेते हैं सेपरेट, सेपरेशन का मेथड से इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन इसका निकालेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो वाई का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स पर पावर टेन का डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो एक्स पर पावर टेन, फिर प्लस है प्लस कर देंगे डी है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे टेन क्या है कॉन्सोनेंट है, इसको बाहर कर लेंगे ये टेन इंटू डी एक्स टू दी पावर सेवन। अब देखिए स्टूडेंट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन एक्स पर पावर हो जाएगा नाइन, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस कर देंगे सेवन एक्स पर पावर हो जाएगा सिक्स। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होगा कि ये कहाँ से आ गया टेन फिर सेवन। तो देखिए स्टूडेंट
मतलब 9, 6 ये सब कैसे हुआ, 10 कैसे हुआ, एक फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा कि y इक्वल टू यदि x पर पावर n दे दे तो इसका डिफ्रेंशिएशन निकालते थे dy बाई डी एक्स इक्वल टू एन एक्स पर पावर n माइनस वन, यही फॉर्मूला का यहाँ पे यूज किए हैं। फॉर्मूला एक होता है ना x टू द पावर n, तो n x पर पावर n माइनस वन, जो n मतलब जो पावर होता है n इक्वल टू 1, 2, 3, ये जो पावर हो गया 1, 2, 3 कोई नंबर, उसको क्या करते हैं n वो पीछे ले आते हैं और उसमें फिर माइनस वन कर देते हैं। वही चीज़ यहाँ पे किए, देखिए 10 पीछे x पर पावर माइनस वन कर दिए, 10 माइनस वन, फिर प्लस था तो प्लस डाल दिए, यहाँ पे 10 था पहले से, यहाँ पे 10 था, 10 इंटू 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, क्योंकि 10 पहले से था और 7 यहाँ पे आ गया, तो 10 इंटू 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा 70। अब थोड़ा इसको सजा के लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से 10 कॉमन कर लेंगे, यानी तो फिर 10 एक्स पर पावर 6 भी आप लोग कॉमन कर सकते हैं, कॉमन तो निकालने सबको आता होगा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा एक्स क्यूब प्लस, यहाँ पे क्या बच जाएगा सिर्फ 7, क्योंकि 10 एक्स पर पावर 6 तो कॉमन कर लिया तो यही ना बचेगा। तो देखिए इजी था, इसको यदि हम लोग यू इंटू वी में करते तो थोड़ा बड़ा टर्म जाता, इसको सेपरेट करके बना लिए तो दो ही लाइन में बन गया, ये दो स्टेप में ही बन गया। तो ये आप लोग को स्टूडेंट समझ में आ गया होगा, ये भी एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आप लोगों को शायद डिफ्रेंशिएशन बाय सेपरेशन यानी कि मेथड ऑफ सेपरेशन भी समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग चलेंगे प्रोडक्ट पे। देखिए ये प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट में समझाना क्या, आप लोगों को बचपने से पढ़ते आ रहे कि प्रोडक्ट में से गुना करना, यानी कि जब दो टर्म गुना के फॉर्म में, जब दो टर्म कौन सा फॉर्म में हो, अभी प्लस माइनस में था तो हम लोग सेपरेशन लगा रहे थे, जब मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो हम लोग इस बार सेपरेशन नहीं क्या यूज करेंगे तो प्रोडक्ट का यूज करेंगे। मतलब गुना में हो तो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब गुना। तो देखिए जब दो टर्म गुना में रहता यानी कि दो फंक्शन जब गुना में रहेगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब दो फंक्शन गुना में, जैसे कि y इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं u मल्टीप्लाई ऑफ v। अब y हम यहाँ पे फंक्शन बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए u और v दो फंक्शन, अब फंक्शन में सब लोग को समझ में आ ही रहा साइन कॉस लॉग ये सब, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो प्रोडक्ट में हो यानी कि गुना में हो, जब दो फंक्शन गुना में हो तो उसको देखिए क्या करेंगे, उसका जब डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे डॉट 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 कर देते हैं फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आप लोगों को लिख करके रिवीजन करना, फेयर करना हो टेस्ट एग्जाम कहीं भी, ये डॉट डॉट नहीं कीजिएगा, आप लोग डी वाई बाई डी एक्स लिखिएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्या होता है जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो फर्स्ट वाला फंक्शन को बाहर रख देंगे और ये जो सेकेंड वाला फंक्शन है इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, u बाहर डी वी बाई डी एक्स प्लस इस बार v बाहर हो जाएगा और u का डिफ्रेंशिएट कर देंगे डी यू बाई डी एक्स, बस यही है। जब दो टर्म क्या हो यानी कि जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो फर्स्ट वाला बाहर, सेकेंड वाला का डिफ्रेंशिएशन, फिर प्लस सेकेंड वाला बाहर और फर्स्ट वाला का डिफ्रेंशिएशन। अब जैसे हम लोग इसमें एग्जांपल लेके समझते हैं, वाई इक्वल टू फंक्शन लेते हैं e टू द पावर x इंटू 10x, एक फंक्शन ले लिए मान लीजिए कि y इक्वल टू दिया हुआ है e टू द पावर x इंटू 10x, यानी कि जब दो टर्म यहाँ पे क्या आ गया, दो फंक्शन यहाँ पे क्या है, पहले हम लोग क्या ले रहे थे प्लस माइनस में था तो सेपरेशन का यूज कर रहे थे, लेकिन अब e टू द पावर x इंटू 10x है, यहाँ तो प्लस माइनस नहीं दिख रहा, यहाँ पे इंटू दिख रहा, तो प्रोडक्ट का मेथड लगाएंगे। और प्रोडक्ट का मेथड में क्या होता है, फर्स्ट वाला बाहर, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, फिर प्लस सेकेंड
मतलब सेकंड वाला बाहर और फर्स्ट वाला का डिफरेंसेस है। देखिए यू ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो फर्स्ट वाला बाहर हो गया है सेकंड का, फिर इसको रखें, फिर इसका डिफरेंसेस हो। वैसे यहाँ पे करेंगे, इसको ले लेते हैं यू मान लेंगे और इसको भी मान लेंगे और इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन, फिर डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे। फर्स्ट वाला टर्म को आप लोग को यू मानना है और सेकेंड वाला जो टर्म है उसको भी मानना है, तो क्या हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में जब इसको हम लोग करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जो फर्स्ट है, फर्स्ट यानी कि यू, यू क्या होता है, यू को हम लोग पहले छोड़ देते हैं, वैसे यहाँ पे इसको ई टू द पावर एक्स यू, इसको यू मान लेंगे, ई टू द पावर एक्स इंटू इंटू नहीं, अब क्या यहाँ पे डी वी बाई डी एक्स यानी कि इसका डिफ्रेंसिएशन, तो टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन फिर था प्लस, तो प्लस दे देंगे भी यानी कि टेन एक्स, तो टेन एक्स को बाहर कर लेंगे और डिफ्रेंसिएशन u का यानी कि u के जगह पे कौन है e टू दी पावर x, यहाँ पे e टू दी पावर x का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू e टू दी पावर x, और tan x का डिफ्रेंसिएशन आप लोगों को पता है sec स्क्वायर x होता है, प्लस है तो प्लस दे देंगे, और e टू दी पावर x का डिफ्रेंसिएशन e टू दी पावर x ही होता है, यहाँ tan x है तो टेन एक्स लिख लेंगे इन टू ई टू दी पावर एक्स कर देंगे। अब इसमें देखिए कुछ कॉमन दिख रहा हो तो उसको कॉमन ले लेंगे, ई टू दी पावर एक्स यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ई टू दी पावर एक्स को बाहर कर लेंगे यानी कि कॉमन ले लेंगे, थोड़ा से अच्छा से लिखेंगे आंसर को, तो ई टू दी पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स। तो ये स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एक दो और एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रखते हैं, जैसे एग्जाम्पल और लेते हैं y इक्वल टू एग्जाम्पल कुछ भी ले लेते हैं, चलिए इस बार ले लेते हैं साइन x इंटू टेन एक्स, साइन x इंटू टेन एक्स, जब एक जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे तो प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का मेथड यहाँ पे बताए हैं कि यदि y को y इक्वल टू कोई फंक्शन दे दे दो फंक्शन प्रोडक्ट में, तो dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है u, यू को मतलब छोड़ने के मतलब पहला वाला टर्म को छोड़ देते हैं सेकंड वाला का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस भी को हम लोग क्या करेंगे बाहर, और यू जो है उसका डिफरेंशिएशन। आप लोग इसमें से किसी को भी यू भी मान सकते हैं, ये नहीं कि इसी को यू इसी को ये भी मानेंगे, दोनों में से किसी को भी, क्योंकि आगे तो उनको जोड़ना है प्लस में, तो किसी को भी आप लोग यू मानिए भी मानिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे मान लीजिए हम लोग लेते हैं यू को फाइव भी को ले लिए थ्री, तो जोड़ने के बाद एट ही आएगा, और यही हम लोग इस बार इसको मान लेते हैं यू, इसको मान लेंगे भी, तो क्या हो जाएगा थ्री प्लस फाइव फिर भी तो एट ही होगा, तो इस कंडीशन में एट आया ना, इसलिए हम लोग किसी को भी यू और भी मानेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे स्टूडेंट यहाँ पे देखिए वाई इक्वल टू साइन एक्स इंटू टेन एक्स, एक फंक्शन दे दिया, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, आप लोग को लिखना है डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, चलिए एक्स के रिस्पेक्ट में इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, यहाँ साइन एक्स है इसको यू मान लेंगे और इसको भी मान लेंगे, यानी कि ये यू है ये भी है, तो क्या होता है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट का मेथड क्या है कि यू बाहर भी का डिफ्रेंशिएट प्लस भी बाहर यू का डिफ्रेंशिएट, वही चीज़ यहाँ पे करेंगे, इसको बाहर साइन एक्स रुक जाएगा अभी, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे प्लस आता है प्लस कर देंगे, ये भी रुकता है इस बार यानी कि भी को इस बार बाहर करेंगे और यू का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे साइन एक्स है तो साइन एक्स लिख देंगे, टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे प्लस है प्लस कर देंगे, फिर टेन एक्स है तो यहाँ पे टेन एक्स लिख देंगे इंटू कॉस एक्स, क्योंकि साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, पहले लिख लेते हैं सेक स्क्वायर एक्स या साइन एक्स, साइन एक्स प्लस टेन एक्स
इंटू कॉस एक्स। ये समझ में आ गया। अब ये प्रोडक्ट समझ में आ ही गया होगा कि जब दो फंक्शन गुना में हो तो फर्स्ट वाला बाहर सेकंड वाला का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस सेकंड वाला बाहर फर्स्ट वाला का डिफरेंशिएशन। और कोई भी फंक्शन जब दे दिया हो y इक्वल टू दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई में हो तो एक को u मान लेना है, दूसरा को v मान लेना है, और इस मेथड से फिर बना लेना है। अब देखिए स्टूडेंट, प्लस माइनस में रहे दो फंक्शन, तीन फंक्शन, दस फंक्शन, पचास फंक्शन प्लस माइनस के साथ रहे तो डिफरेंशिएशन बाय सेपरेशन। यदि दो फंक्शन प्रोडक्ट में रहे मतलब मल्टीप्लाई में रहे तो प्रोडक्ट का मेथड। अब हम लोग चलिए डिवीजन में चलते हैं, ये डिवीजन क्या उसको भी समझ लेते हैं। जब दो फंक्शन दिया हो डिवाइड में, जैसे कि हम लोग दो एक फंक्शन ले लेते हैं, अभी ले रहे थे y इक्वल टू यदि u प्लस v प्लस w था तो हम लोग उसको क्या ले रहे थे, सेपरेशन में, यानी कि जब प्लस माइनस के साथ फंक्शन जुड़ा हुआ हो तो वह सेपरेशन हो जाएगा। यदि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो वो प्रोडक्ट हो जाएगा, लेकिन डिवाइड में यदि हो तो उसमें डिवीजन रूल आएगा। और अब डिवीजन का मेथड से उसको फाइंड करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे उसका। तो आखिर अब डिवीजन में कैसे होता है, मान लीजिए कि हम लोग ले लिए y इक्वल टू यू बाय वी। अब इसका हम डिफ्रेंशिएट फाइंड करेंगे, यानी कि इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, y इक्वल टू ले लिए u बाय वी, अब इसका डिफ्रेंशिएशन। तो इसमें देखिए क्या आता है, इसका dy वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, आप लोग को लिखना है। तो dy वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये बाहर, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन, फिर माइनस। देखिए प्रोडक्ट में क्या होता था, प्लस लिखते थे, लेकिन यहाँ पे माइनस लिखेंगे। उसके बाद ये जो यू है इसको बाहर और वी का निकालेंगे, तो डी वी बाई डी एक्स, और डिवाइडेड बाय कर देंगे वी का स्क्वायर, जो नीचे है इसका स्क्वायर कर देंगे। देखिए स्टूडेंट, जब दो फंक्शन डिवाइड में रहे तो क्या करेंगे, जो नीचे वाला है उसको लिख देंगे यहाँ पे, ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन, फिर माइनस ऊपर वाला को लिख के और नीचे वाला का डिफरेंशिएशन, और डिवाइडेड बाय यानी कि पूरा एक बट्टा जिसको बोलते हैं वो बटे भी जो यहाँ पे नीचे वाला उसका स्क्वायर करते हैं। इसमें भी एक दो एग्जांपल लेके अभी आप लोगों को समझाते हैं। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू साइन एक्स डिवाइडेड बाय ई टू द पावर एक्स दिया, तो देखिए ये तो देख के ही पता चल रहा है कि प्लस माइनस में नहीं है तो सेपरेशन नहीं लगाएंगे, मल्टीप्लाई में नहीं है तो प्रोडक्ट नहीं लगाएंगे, है क्या चीज़ में, डिवाइड में, यानी कि डिवीजन लगेगा। तो देखिए अब डिवीजन का मेथड अभी यहाँ पे बताएं, जैसे क्या होता है, भी जो नीचे वाला रहता है उसको लिखने के बाद डिफरेंशिएट ऑफ यू माइनस यू डिफरेंशिएट ऑफ भी, और जो ये नीचे वाला है भी इसका स्क्वायर कर देंगे। वैसे यहाँ पे इसको हम लोग चलिए यू और भी मान लेते हैं, ऊपर वाला को यू मान लेंगे और नीचे वाला को भी मान लेंगे, और लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसका डिफरेंशिएट देखिए कैसे होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है ये, इसको तो भी मान लिए तो भी क्या होगा, बाहर u का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस है, माइनस लिख दिए। अब u क्या होता है, बाहर, यानी कि साइन x को भी लिखेंगे, और डिफ्रेंशिएशन किसका निकाल देंगे, e टू द पावर x का डिवाइडेड बाय क्या होता है, e टू द पावर x का स्क्वायर, v का स्क्वायर, यानी कि e टू द पावर x का स्क्वायर। तो dy बाय dx इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा, भी हम लोग किसको लिए थे, ई टू दी पावर एक्स को, तो यहाँ पे भी की जगह ई टू दी पावर एक्स लिख देंगे, ई टू दी पावर एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, माइनस है, माइनस लिख देंगे, फिर साइन एक्स, ई टू दी पावर एक्स है तो यहाँ पे ई टू दी पावर एक्स लिख देंगे, डिवाइडेड बाय ई टू दी पावर एक्स का मतलब ई टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर है, तो इसको ई टू दी पावर टू एक्स लिखिए, यानी तो फिर आप लोग को पता है कि ए स्क्वायर, इसको हम लोग ए इंटू ए भी लिख सकते हैं,
और अभी ये a इंटू ए के ही फॉर्म में e टू द पावर x का पावर 2 को लिखेंगे, क्योंकि अभी आगे कटने वाला है कॉमन के साथ, इसलिए यहाँ पे e टू द पावर x मल्टीप्लाई e टू द पावर x कर देंगे, तो dy वाई बाई डी एक्स, चलिए यहाँ समझते हैं, dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या, ये e टू द पावर x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, cos x माइनस है, माइनस दे दिए, फिर है साइन एक्स, तो साइन एक्स डिवाइडेड बाय ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, तो ये कट जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय ई टू द पावर एक्स। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, तो ये आप लोगों को डिविजन भी समझ में आ गया होगा। अब कल हम लोग स्टार्ट करेंगे चैन रूल, और चैन रूल को भी इसी तरह डिटेल में समझेंगे, और आई होप यहाँ तक आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। यदि कहीं पे डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में, और अभी मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे शो करेगा, उस व्हाट्सएप पे आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो, छोटा सा भी डाउट हो, हम सारा डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आगे आप लोग अच्छा से पढ़िए, रिविज़न कीजिए, इसको एक बार अच्छा से देख लीजिएगा अच्छा से, उसके बाद फिर हम लोग 10A यानी कि कल पहले चैन रोल स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे। ओके फ्रेंड, बाय बाय, थैंक यू।